हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रमन अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का। गाइस, पहली चीज़ तो अभी SSC CHSL का पेपर चल रहा है और CGL का पेपर हमारा हो चुका है। तो जो मेरे को काफ़ी टाइम 8-9 साल हो गए पढ़ाते, तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने देखने को मिली हैं। मैं कम से कम 6-7 साल से ऑफलाइन में पढ़ाया, 2 साल अभी ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सर कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है 8-9 साल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी होता है, मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ मिल चुका हूँ, बात करी है, तो काफ़ी सारे को ना मैथ से फोबिया होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैथ से फोबिया होता है कि सर मैथ में हमें डर लगता है। मैं देसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैथ्स फोबिया होता है, ठीक है, कि मैथ्स में डर लगता है। सर हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता हम कैसे पढ़ें, हमें समझ में नहीं आता कि हम जब पढ़ लेते हैं तो कैसे अप्लाई करें, हमें ये समझ में नहीं आता कहाँ से प्रैक्टिस करें, हमें क्वेश्चंस नहीं मिल पाते क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है। मुझसे खुद स्टूडेंट कहते हैं कि सर कौन सी बुक लूँ, तो मेरा जवाब ये रहता है कि सर कोई एक बुक ले लो, उसको कम्प्लीट कर लो। लेकिन नहीं, अगर एडिशन चेंज हो जाता है या फिर मैं आपसे कह दूँगा सर इस राइटर की बुक अच्छी है, तो काफ़ी सारे बच्चे उस राइटर की बुक लेंगे। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग सारी बुक सही होती हैं। एक बुक में या दो बुक में या तीन बुक में, मैं खुद अगर आपको पढ़ाता हूँ, मेरे पास कई सारी बुक्स हैं, कई सारे जगह नेट से देखता हूँ, कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेहनत होती हैं। वो एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, वो सारे जिम्मेदारी एक फैकल्टी की होती है, चाहे मैं हूँ, चाहे यूट्यूब पर ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी फैकल्टी हो, वो अपने बैकएंड से बहुत अच्छा काम करते हैं सभी। लेकिन सर जो आपकी दिक्कतें होती हैं कि सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स में, मुझे सीखने को दिक्कत है, मैं अप्लाई नहीं करना आता, बेसिक वीक है मेरे, सो ये सारी चीज़ें सर, इन सबका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ना। चाहे आप मुझसे करो, चाहे आप XYZ किसी फैकल्टी से करो, सारी फैकल्टी अच्छी है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोई फैकल्टी ख़राब नहीं है। तो एक चीज़ है, पढ़ोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई भी एक क्लास, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। करना कैसे, तो देखो पहली चीज़ में समझ लो, सपोज मेरा एक चैप्टर है परसेंटेज, मेरा परसेंटेज वीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले परसेंटेज के बेसिक्स क्वेश्चन लगाऊंगा, क्योंकि देखो परसेंटेज हो गया और एक रेशियो हो गया, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो बैकबोन है अर्थमेटिक की। क्या है अर्थमेटिक की बैकबोन है, तो एक तो परसेंटेज और एक रेशियो, ये दो चैप्टर ऐसे हो गए जो आपको करने ही करने। कैसे करने, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं आपसे कहूँ 33 होल 1/3% कितना होगा या 1/5 कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें देखनी है। आपको बेसिक चीज़ों के लिए हाईफाई बुक नहीं लेनी, चाहे NCERT ले लो या कोई से भी नेट से देख लो, ये सारी चीज़ करनी शुरू करो। एडवांस की बात करता हूँ, एडवांस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, जल्दी से आता तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो एडवांस के लिए क्या करना है, एडवांस के लिए पहले एलजेब्रा पे कमांड हो, क्योंकि हर एक चीज़ का अलग अलग है, एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को रटवाते हैं। मेंसुरेशन में मैं आपसे कह दूंगा सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर है, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास πr²h, रटो। तो रटना नहीं है, कुछ समझना भी है। मैं मानता हूँ एडवांस मैथ्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं क्रैम करूँगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मैं समझूंगा। तो उन सारी चीज़ों से आपको कैसे डील करना है, तो देखो एक यूट्यूब की क्लासेस ऑलरेडी रनिंग में, अगर आपको लगता है सर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, मैं कर लूँगा, डोंट वरी, आप यूट्यूब से पढ़िए। आपका मेन काम क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक एस्पिरेंट का, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी XYZ हो, आपका मेन उद्देश्य सिलेक्शन होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि सर ये ऐसे फैकल्टी ऐसे हैं या ऐसे हैं या इन्होंने सर ये कहा। तो पहले प्लीज़ अपना फोकस एक चीज़ पर रखो, पढ़ाई पर। अगर आपको लगता है यूट्यूब से पढ़ाई होगी तो सर आप यूट्यूब से पढ़िए, अगर आपको लगता है सर मैं कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ उससे पढ़ाई होगी तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से मेरे पूछ रहे थे कि सर बैच कब से आ रहा है, तो उन लोगों में बता दूँ, और बाकी जो लोग भी समझना चाहते हैं कि सर जो मेरा बैच है वो 19 तारीख से आ रहा है, ठीक है, मैं एडवांस का बैच लेके आ रहा हूँ Pre-2 Mains, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एलजेब्रा इंसर्ट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस रखी है, यानी 10 घंटे। टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 11 से 12 अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लासेज हैं वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और 3 क्लासेज हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। आप देख सकते हो कि ज्योमेट्री की कितनी क्लासेज हैं, और ये भी आप देख सकते हो कि मैंसुरेशन और प्रिज्म ऑफ पिरामिड की कितनी क्लासेज हैं। तो ये सारा मैंने कोर्स डिज़ाइन कराया आप लोगों के लिए, ये जो कोर्स चलेगा वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेगा, और ट्रस्ट मी गाइस, इस कोर्स को करने के बाद आपको एडवांस मैथ्स में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, आप कहोगे हाँ मुझे आती हैं चीज़ें, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ।
कंटेंट सारा लेटेस्ट है जो भी एग्जाम पैटर्न में आया हुआ। मैं कहूँगा ये नहीं कहूँगा सर कंटेंट बिल्कुल नया बना रहा हूँ मैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको इसमें मिलेगा। ठीक है सर, ये कब से आ रहा है? ये जो बैच आ रहा है वो आ रहा है 19 मार्च से आ रहा है अनअकैडमी प्लस पे। आप कहोगे सर अर्थमेटिक का क्या होगा, तो अर्थमेटिक के भी मैं छोटे छोटे बैचेस बीच में लाता रहूँगा। ठीक है, जैसे परसेंटेज का चैट ले आया मैं 10 दिन का बैच, रेशियो प्रोपोर्शन का ले आया 5 दिन का बैच, तो उसमें पूरा प्री टू मेंस कवर हो जाएगा। कैसे लेना है सर? सर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करोगे तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा, OTP आएगा, फिर वो पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज बताओ, इंग्लिश और हिंदी। तो आपने कह दिया सपोज हिंदी, तो वो गोल कहेगा कि सेलेक्ट करो गोल। पहला गोल है UPSC, नहीं है हमारा, बैंकिंग, SSC, रेलवे, FCAT, CVS, तो मेरा कोर्स है SSC। ठीक है, मेरा गोल है SSC क्रैक करना है, मैं SSC पे गया, SSC पे जाके जब मैं जाऊँगा तो वाईफाई स्टडी एजुकेटर्स पे जाऊँगा। वाईफाई स्टडी एजुकेटर्स में जब आप जाओगे तो मेरा कोर्स लाइव हो जाएगा, आज हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 19 तारीख से मतलब 19 तारीख तक है आपसे बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन में, गेट सब्सक्रिप्शन में जाके वो कहेगा सर 1 मंथ का लूँ, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का। तो मैं आपसे कहूँगा सर 1 महीने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 1 महीने में चीज़ें 5 दिन आपको चीज़ें समझने में लग जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि सर मैं और भी चीज़ें प्रिपेयर करूँ, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPO, आपका स्टैनो हो, SSC JEE हो, कोई सा भी पेपर SSC के अंडर आता है, तो सारे पेपर की प्रिपरेशन होगी। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो तो 6,000 रुपये का है। ठीक है सर, 6,000 रुपीज़ का है, 6,000 रुपीज़ का कोर्स। अच्छा, 1 महीने का जो है वो कितने का है? वो 1200 का है। ठीक है, 1 महीने का जो है वो 1200 का है, 3 महीने का 3,000 रुपये का है, 6 महीने का 4,800 रुपये का है, 1 साल का 6,000 का है। 6,000 भी नहीं पे करने होंगे आपको, आपको जब पेमेंट करने जा रहा होगे तो यहाँ लिखा होगा रेफरल कोड, तो आप यहाँ डालोगे NAMAN10, NAMAN10 विदाउट स्पेस। ठीक है, NAMAN10 विदाउट स्पेस आप डालोगे और उसे अप्लाई कर दोगे, NAMAN10, और अप्लाई कर दोगे तो 6,000 रुपये का जो कोर्स है वो 5400 का पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो 6,000 जो का कोर्स है वो 5400 का पड़ेगा। आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, UPI, कैसे भी कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप चाहोगे सर मैं 1 साल का कोर्स लेना चाहता हूँ लेकिन मैं पैसे इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ, तो एक ये क्रेडिट कार्ड सुना होगा आपने, काफ़ी बैंक देते हैं क्रेडिट कार्ड, तो आपका बैंक क्या करेगा, उसकी किस्त बांध देगा। ठीक है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि 6 महीने की बांध देगा, 1 साल की, वो बैंक का मैटर है, बैंक का टेक है। ठीक है दोस्त, तो अगर आपको लगता है कि सर मैं सीखना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ और चीज़ें सीखना चाहता हूँ, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरा कोर्स 2 कोर्स और आ रहे हैं, एक रेलवे में आ रहा है, ठीक है, और एक डिफेंस एग्ज़ाम में आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोर्स 3-4 दिन में लाइव हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी मेरे कोर्स बाय कर सकते हैं, 1-3 महीने का या 6 महीने का। रेलवे का मैं प्रेफर करूँगा 6 मंथ्स का, और CDS का जो मैं DRDO का लेके आने वाला हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा CDS का भी लेके आऊँगा, तो उसका कोर्स 6 महीने का आप बाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर पता है। ठीक है, इस तो रेफरल कोड हमेशा एक ही अप्लाई करना है और कोई नहीं, NAMAN10। इस रेफरल कोड से आप इंग्लिश, मैथ्स, GS, रीजनिंग सारी क्लासेस ले सकते हो, टेस्ट सीरीज जा सकते हो, सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा बाई यूजिंग रेफरल कोड NAMAN10। हर एक फैकल्टी, हर एक मैथ्स के, मैथ्स से कम से कम 30-40 फैकल्टी हैं, रीजनिंग के काफ़ी सारे फैकल्टी हैं, इंग्लिश के काफ़ी सारे फैकल्टी हैं, GS के काफ़ी सारे फैकल्टी हैं, वाईफाई स्टडी पे जितने फैकल्टी देखते हो सारे मिलेंगे, अनअकैडमी पे जितने फैकल्टी देखते हो आप सारे मिलेंगे। तो एक रेफरल कोड से आपको सारे फैकल्टी देखने को मिल जाएंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कितने का, 10% का। ठीक है गाइस, और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर मैं कोर्स क्यों लूँ, या मैं लेना नहीं चाहूँगा, या फिर मैं लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, और सर क्या ये चीज़ होगी नहीं होगी, तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाई NAMAN सर के नाम से। ठीक है, आप वहां पे मुझे पिंग कर सकते हो कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट हो। अर्थमेटिक का बैच भी आएगा, ठीक है, और अभी CPO का बैच भी आएगा, CPO का नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल में। आपको पता है मैं SSC के लिए बहुत पागल रहता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वैकेंसीज कुछ भी आता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके पास सबसे पहले वो न्यूज़ मैं लेके आऊँ। तो दोस्तों यही मुझे बताना था, अगर आपको लगता है तो रेफरल कोड NAMAN10 यूज़ करिएगा और आपको
10% डिस्काउंट के साथ मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितने भी बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी पे, सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। 910 विदाउट स्पेस, NAMN10 विदाउट स्पेस। थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं अपने अपने क्लासेस में, और यूट्यूब का जब सेशन स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।